हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, मैं फिजिकल एजुकेशन की चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करा रही हूँ, जिसमें से दोस्तों चैप्टर है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, यानी शरीर रचना विज्ञान एवं क्रिया विज्ञान, जिसमें से टॉपिक है सेल्स एंड ब्लड, यानी कि कोशिका और रक्त से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। और दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन की किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पे सभी वीडियोज सिलेबस के अकॉर्डिंग है, सभी वीडियोज फ्री में है दोस्तों, एंड 100 से ज़्यादा वीडियोज प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज क्वेश्चन में बनाए गए हैं। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1 क्यूबिक यमल रक्त में कितनी श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, यानी 1 क्यूबिक मिलीलीटर रक्त में कितनी श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, WBC। तो कितनी होती हैं? 6000 से 10000 तक, कभी कभी 5000 से 11000 भी देता है, वो भी सही रहता है। ठीक है, अगर दोस्तों यही पे पूछेगा कि RBC में, रेड ब्लड सेल्स में कितने रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, तो 50 लाख यानी 5 मिलियन 1 क्यूबिक रक्त ml रक्त में। ठीक है, एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहीं पे प्लेटलेट्स की बात करेगा तो कितना पाया जाता है 1 क्यूबिक यमल रक्त में? 1.5 से 5 लाख। नेक्स्ट दोस्तों, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितने दिन का होता है? प्लेटलेट्स जो रक्त का थक्का जमाने में का कार्य करता है, इसका जीवन काल 10 से 12 दिन का होता है। एंड RBC का 120 दिन, WBC का 3 से 5 दिन। नेक्स्ट है, रक्त की पीएच वैल्यू कितनी होती है? तो दोस्तों, रक्त की पीएच वैल्यू जो होती है 7.35 से 7.45 तक होता है। जैसा कि पीएच यानी कि हाइड्रोजन का मान इसमें होता है, जैसे कि दोस्तों रक्त जो पीएच मान होता है, अगर 7 रहेगा तो वह न्यूट्रल रहेगा, यानी सामान्य रहेगा। अगर 7 से कम रहेगा तो अम्लीय रहेगा, 7 से ज्यादा रहेगा तो क्षारीय रहेगा। 7.35 से 7.45 तक रक्त का पीएच मान है, तो यहाँ पे रक्त क्या है? क्षारीय है। नेक्स्ट है, कौन सी रक्त कोशिका रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है दोस्तों? तो प्लेटलेट्स होता है, जिसका वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट है। ठीक है, नेक्स्ट है, श्वेत रक्त कोशिकाओं में ग्रेन्यूलोसाइट की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? जैसा कि दोस्तों 75% होता है श्वेत रक्त कणिकाओं में ग्रेन्यूलोसाइट की मात्रा। जैसा कि WBC यानी श्वेत रक्त कणिका जो होता है, यह शरीर को जीवाणु और विषाणु से बचाता है, और यह दो प्रकार की होती है, और अग्रेन्यूलोसाइट। ग्रेन्यूलोसाइट जो होता है 75% होता है, और अग्रेन्यूलोसाइट 25% होता है, जिसमें से ग्रेन्यूलोसाइट में न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड अग्रेन्यूलोसाइट में लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स आते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, प्लाज्मा में कितने प्रतिशत पानी होता है? तो प्लाज्मा में 90% जल होता है। ठीक है, प्लाज्मा में 90% क्या होता है? जल होता है। एंड 8 से 9% आपका प्रोटीन होता है, 0.9% नमक यानी सॉल्ट होता है, एंड 0.1% कार्बनिक पदार्थ होते हैं। जैसा कि दोस्तों ब्लड जो है दो प्रकार का होता है, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स यानी रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा रक्त का 55% भाग है, और ब्लड सेल्स जो है रक्त का 45% भाग होता है, जिसमें RBC, WBC, प्लेटलेट्स ये तीन भाग आते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, कोशिका का नियंत्रण केंद्र, सेंटर ऑफ सेल किसको कहा जाता है? तो एक कोशिकाओं का नियंत्रण करता है न्यूक्लियस यानी केंद्र। नेक्स्ट, हैवी एक्सरसाइज करते समय रक्त का प्रवाह किस ओर बढ़ता है? तो यह स्केलेटल मसल की ओर बढ़ता है। किसकी ओर बढ़ता है? स्केलेटल मसल की ओर। ठीक है, यानी रेखित पेशियों की ओर। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पानी की मात्रा कितनी परसेंट होती है दोस्तों? तो 70% जल होता है हमारे शरीर में। नेक्स्ट है, शरीर में वसा का अनुमान किस यंत्र द्वारा लगाया जाता है? तो स्किन फोल्ड कैलिपर द्वारा। नेक्स्ट है, खेल कूद में शक्ति प्रयोग पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है दोस्तों? तो मांसपेशी का सिद्धांत। यहाँ पे शक्ति प्रयोग की बात आए खेल कूद में और शरीर से रिलेटेड, तो वहां पे मांसपेशी सिद्धांत ही लागू होगा, ये ध्यान में रखिएगा, वो भी फिजिकल एजुकेशन में।
नेक्स्ट है दोस्तों, पैरों और कमर की ताकत मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यहाँ ताकत शब्द का प्रयोग हुआ है। पैरों और कमर की ताकत यानी स्ट्रेंथ की शक्ति को मापने का काम कौन करता है दोस्तों? डायनेमोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम कितना होता है दोस्तों? 98.4 फॉरेनहाइट होता है। यहाँ डिग्री में 37 डिग्री सी होता है। नेक्स्ट है, ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, न्यूरोजिला ये किसके निर्माणक हैं? तो दोस्तों यह स्नायु तंत्र के निर्णायक निर्माणक हैं। नेक्स्ट है, वो कौन सी कोशिका है जो पूरे शरीर को ढक कर रखती है? तो इपिथिलियम टिश्यू होता है जो पूरे शरीर को ढक कर रखती है। नेक्स्ट है, WBC में लिम्फोसाइट का कितना परसेंट होता है दोस्तों? तो WBC में लिम्फोसाइट 25% होता है। एंड यही पे मोनोसाइट पूछेगा तो 5% होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, WBC का क्या कार्य है? तो दोस्तों WBC वह व्यक्ति के शरीर को बीमारियों से बचाता है, यानी कि यह शरीर को जीवाणु और विषाणु से बचाता है। नेक्स्ट है, श्वेत रुधिर कणिकाओं WBC में सबसे बड़ी कणिका कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी कणिका होती है मोनोसाइट। जो दोस्तों मोनोसाइट जो होता है यह बैक्टीरिया को खाता है, यानी बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। ठीक है, बैक्टीरिया को खाने का काम करता है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया जो है कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, ये ध्यान में रखिएगा। और यही भी पूछेगा, क्रेब्स चक्र कहाँ पे संपन्न होता है? तो वह माइटोकांड्रिया में संपन्न होता है। दोस्तों यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया या अनएरोबिक प्रक्रिया ऐसे ही पूछ सकता है। ग्लाइकोलाइसिस यानी अनएरोबिक, जो ऑक्सीजन के बिना संपन्न होती है, कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। क्रेब्स चक्र जो एरोबिक श्वसन होता है वह माइटोकांड्रिया में संपन्न होता है, जो ऑक्सीजन के साथ होता है। और ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में 2 ATP का निर्माण होता है, और क्रेब्स चक्र में एरोबिक प्रक्रिया में 36 ATP का निर्माण होता है। इस प्रकार श्वसन प्रक्रिया में एक ग्लूकोज के जरण से 38 ATP का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, हड्डियों की कोशिका यानी कि बोन सेल को क्या कहते हैं? तो हड्डियों की कोशिका को ऑस्टियोसाइट्स बोला जाता है। नेक्स्ट है, माइटोकांड्रिया किस तंत्र में पाया जाता है? तो माइटोकांड्रिया जो होता है वह श्वसन तंत्र में पाया जाता है। यह हमारे ऊर्जा उत्पादन का केंद्र है। ठीक है, माइटोकांड्रिया यही पे ऑक्सीजन जो है ऊर्जा को ATP में बदलता है। ATP ऊर्जा में बदल करके इसको जहां जहां शरीर में ऊर्जा की जरूरत होती है वहां वहां भेजता है। ठीक है, इसीलिए इसको पावर हाउस बोला जाता है, कोशिका का पावर हाउस। नेक्स्ट है, मांसपेशियों की लंबाई मापने की इकाई को क्या कहते हैं? तो मांसपेशियों की लंबाई मापने के यंत्र को माइक्रोन बोला जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, एपिथिलियम कोशिका मानव शरीर के किन अंगों में पाई जाती है? तो यह ग्रॉस नली में पाया जाता है। नेक्स्ट, संयोजक कोशिका यानी कि कनेक्टिव सेल जो होता है, टिश्यू जो होता है, मानव शरीर के किन अंगों में पाई जाती है? तो कार्टिलेज, हड्डी, रक्त कोशिका यानी कि ब्लड सेल, इन सभी में पाई जाती है। नेक्स्ट है, कंडरा यानी टेंडन जोड़ते हैं। कंडरा यानी टेंडन किसको जोड़ते हैं दोस्तों? यह अस्थि को पेशी से जोड़ता है। ठीक है, यदि हमारी पेशियां किसके द्वारा अस्थियों से जुड़ी होती है? टेंडन यानी कंडरा के द्वारा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि लिगामेंट्स का क्या कार्य है? तो जो लिगामेंट्स होता है दो हड्डियों को जोड़ता है, बीच में जोड़ों पर जोड़ता है। लिगामेंट्स क्या करता है? दो हड्डियों को जोड़ों पर जोड़ता है। और कंडरा यानी टेंडन क्या करता है? पेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। नेक्स्ट दोस्तों, हृदय की पेशियां होती है कैसी होती है? हृदय की पेशियां अनैच्छिक होती है बट रेखित की तरह काम करती हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अनैच्छिक एवं रेखित। नेक्स्ट दोस्तों, फाइब्रिनोजन होता है। तो दोस्तों यह फाइब्रिनोजन प्लाज्मा में पाया जाने वाला प्रोटीन है। फाइब्रिनोजन जो होता है वो प्लाज्मा में पाया जाने वाला प्रोटीन है, जैसे कि प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथोम्बिन, फाइब्रिनोजन पाया जाता है। ये सभी का निर्माण होता है आपका यकृत में। तो यहाँ पे क्या है कि फाइब्रिनोजन होता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, रुधिर में विद्यमान रहता है बट यकृत में क्या होता है? बनता है। तो यहाँ पे यदि पूछेगा कि फाइब्रिनोजन का निर्माण कहाँ होता है तो यकृत सही होगा, ये ध्यान में रखिएगा।
यह भी रक्त का थक्का बनाने यानी जाली बनाने में काम आता है। नेक्स्ट है दोस्तों रुधिर, यदि रुधिर कोशिकाएं यानी ब्लड सेल्स अलग कर दी जाए तो शेष बचा द्रव क्या कहलाता है? तो दोस्तों हमारे शरीर में ब्लड में क्या होता है, एक प्लाज्मा होता है और ब्लड सेल्स होता है। ब्लड सेल्स में होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब हम ब्लड सेल्स यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स को निकाल देंगे तो क्या बचेगा? प्लाज्मा ही नहीं बचेगा, जो पानी जैसा द्रव होता है वो प्लाज्मा है। तो यदि रुधिर कोशिकाओं यानी ब्लड सेल्स अलग कर दिया जाए रुधिर से तो क्या होगा? केवल प्लाज्मा बचेगा, जो द्रव बचा रहता है उसको प्लाज्मा बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रोथ्रोम्बिन, रुधिर का थक्का जमने में सहायक होता है। तथा रुधिर में कहाँ से निकलता है? तो दोस्तों यह कहाँ से निकलता है यानी बनता कहाँ पे है, या यकृत से निकलता है जो रुधिर में जाके मिलता है, ठीक है। और यह प्लाज्मा में द्रव में उपस्थित होता है जो रक्त का थक्का जमाने में यह भी मदद करता है। नेक्स्ट है दोस्तों मानव की अस्थि उपास्थि से किस बात में भिन्न होती है? तो यह हैवेल्सियन नाल के रूप में भिन्न होती है। नेक्स्ट है कशेरुकाओं यानी कि कशेरुकाओं में किसमें रेखित पेशियां मिलती हैं? फेफड़ों में, पित्ताशय में, रुधिर वाहिनियों की दीवार में, पैर में। तो दोस्तों रेखित पेशियां मतलब ऐच्छिक पेशियां जो हमारे इच्छा अनुसार काम करती है। हमारा मन होगा तो पैर हटाएंगे या कुछ सामान उठाएंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पैर में, रेखित पेशियां किसमें मिलती है? पैर में, फेफड़ों में, पित्ताशय में, रुधिर वाहिनियों में अरेखित पेशियां यानी अनैच्छिक पेशियां मिलती हैं। नेक्स्ट दोस्तों देह गुहा की यानी कि जो कोलम होता है, कॉलम देह गुहा की दीवार में एपिथिलियम का अस्तर कहलाता है। तो जो देह गुहा की दीवार होता है उसमें एपिथिलियम का अस्तर कहलाता है सल्की। नेक्स्ट दोस्तों मानव में तेल ग्रंथियां जो आयल ग्लैंड्स होता है कहाँ पे मिलती है? यह त्वचा की डर्मिस में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? त्वचा की डर्मिस यानी कि निचली त्वचा में। जैसे हमारा त्वचा वाह त्वचा और आंतरिक त्वचा होता है तो वाह त्वचा को एपिडर्मिस बोला जाता है, आंतरिक त्वचा को डर्मिस बोला जाता है। तो आंतरिक त्वचा यानी डर्मिस में आपका तेल ग्रंथियां होती है। नेक्स्ट है दोस्तों तंत्रिका तंतु यानी नर्वस टिश्यू जो होता है वो पेशी तंतु किस लक्षण में भिन्न है? तो यहाँ पे क्या कर रहा है, तंत्रिका तंतु यानी कि जो नर्वस टिश्यू होता है और पेशी तंतु दोनों में क्या भिन्नता है? दोनों में यह भिन्नता है कि तंत्रिका तंतु में डेंड्राइट्स पाए जाते हैं और पेशी में नहीं। नेक्स्ट दोस्तों माइलिन का स्तर किसे ढका रहता है? तो माइलिन का स्तर जो होता है एक शान पे जो खोल चढ़ा रहता है उसको माइलिन कहते हैं। यहाँ पे सही हो जाएगा कशेरुकाओं का तंत्रिका तंतु, जो तंत्रिका तंतु होता है वो माइलिन नामक खोल से ढका रहता है। नेक्स्ट है पैपिलरी पेशियां स्थित होती हैं। तो यह पैपिलरी जो पेशियां होती है हृदय के निलय में स्थित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एंटीबॉडीज का निर्माण किसमें होता है? तो एंटीबॉडीज का निर्माण जो होता है वह लिम्फोसाइट्स में होता है। किसमें होता है? लिम्फोसाइट्स में, जो श्वेत रक्त कणिका में विद्यमान होता है। तो लिम्फोसाइट्स क्या करता है? एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। यह एंटीबॉडीज क्या करता है कि बैक्टीरिया को मारने का, बैक्टीरिया से हमारी रक्षा करता है, बैक्टीरिया को से क्या करता है, रक्षा करता है। नेक्स्ट है मनुष्य के रुधिर का पीएच कितना होता है? तो आप सबको पता है 7.4 होता है, 7.35 से 7.43 होता है, ठीक है, 7.35 से 7.45 होता है, ठीक। नेक्स्ट है मनुष्य किस ऊतक में, मनुष्य के किस ऊतक में पुनरुद्भवन की सामर्थ्य सबसे कम होती है? यानी कि पुनः उत्पादन यानी कोशिका विभाजन की जो सामर्थ्य होती है सबसे कम किसमें होती है? दोस्तों ये मस्तिष्क का तंत्रिका ऊतक जो होता है उसमें सबसे कम कोशिका विभाजन होता है या नहीं के बराबर होता है, इसलिए मस्तिष्क में चोट लगने के बाद वो जल्दी से ठीक नहीं हो पाता है क्योंकि दोबारा कोशिकाएं बनती नहीं है, पुनरुद्भवन यानी कि रिजनरेशन उसका होता ही नहीं है, इसलिए मस्तिष्क को हमेशा बचा के रखा जाता है। नेक्स्ट है चेचक यानी स्मॉल पॉक्स के टीका लगाने में शरीर में क्या प्रविष्ट करते हैं? तो संबंधी निष्क्रिय रोगाणु इसमें प्रविष्ट करते हैं। क्या प्रविष्ट करते हैं? संबंधी निष्क्रिय रोगाणु। नेक्स्ट है एंटीबॉडीज किस अंग में बनती है? तो दोस्तों एंटीबॉडीज
टॉन्सिल में बनती है, क्योंकि टॉन्सिल में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है, जिसे लिम्फोसाइट्स में क्या होता है, एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। तो आपका एंटीबॉडीज का निर्माण जब पूछेगा, यदि लिम्फोसाइट दिया रहेगा तो लिम्फोसाइट सही होगा, यदि टॉन्सिल दिया रहेगा तो टॉन्सिल सही होगा, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, फाइब्रिनोजन के से फाइब्रिन का निर्माण किसके प्रभाव से होता है? फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन का निर्माण किसके प्रभाव से होता है दोस्तों? यह होता है फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन का निर्माण सक्रिय थ्रोम्बिन से। कैसे होता है? सक्रिय थ्रोम्बिन से। जैसे कि दोस्तों हमारा रक्त का जो थक्का होता है वो 4 से 5 मिनट में चार प्रक्रिया द्वारा, चार स्टेप में जमता है। सबसे पहले जैसे कि जो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बोसाइट होता है, जो प्लेटलेट्स होता है, जब हमारा अंग कटता है तो जो ही हवा के संपर्क में आता है थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स, वायु के संपर्क में आते ही वह थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है। और वही थ्रोम्बोप्लास्टिन दूसरे स्टेप में क्या होता है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन के संपर्क में आने पर थ्रोम्बिन बन जाता है। यही थ्रोम्बिन जो होता है फाइब्रिनोजन को, सोए हुए फाइब्रिनोजन को उठा देता है और जो फाइब्रिन बन जाता है, यही फाइब्रिन फिर जालीनुमा आकृति बना देता है जिसमें रुधिराणु आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट सब फंस जाते हैं और रक्त का थक्का जम जाता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है कि फाइब्रिनोजन जो है, फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन का निर्माण किसके प्रभाव से होता है? तो सक्रिय थ्रोम्बिन के। ठीक है, थ्रोम्बिन जब फाइब्रिनोजन से क्रिया करता है तो वह फाइब्रिन बन जाता है, जाली का जलनुमा आकृति बन जाता है। नेक्स्ट है, रेखित पेशियों का संकुचन का काम है। तो दोस्तों जो रेखित पेशियां होती हैं वह एक्टिन छड़ों का मायोसिन छड़ों पर खिसकना, कैसे संकुचन होती है? इसमें एक्टिन मायोसिन दो फिलामेंट होते हैं, यानी एक्टिन पतला फिलामेंट और मायोसिन मोटा फिलामेंट। तो जो एक्टिन होता है वो मायोसिन छड़ों पर खिसकता है, इसी खिसकने से हमारे पेशियों में संकुचन होता है, जिससे हमारे शरीर में गति होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और बेहतरीन तैयारी के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। तो यदि फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।